सो जिस वीडियो का आपको काफी टाइम से इंतजार था, तो फाइनली आप सबके लिए मैं वो वाली वीडियो लेके आ गया हूँ कि जिसके अंदर आपने कैसे सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करनी है जस्ट अपना फोन यूज करके। आप सब लोग मुझसे पूछते हो ना बार बार कि आप अपने स्काई को कैसे अच्छा बनाते हो, कैसे उसमें ड्रामेटिक फैक्टर क्रिएट करते हो और कैसे अपनी वीडियोज के अंदर सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करते हो। आज मैं आपको सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी है, अगर आप बिगनर भी हो या फिर एडवांस भी हो, काफ़ी एडवांस भी हो। और आज की इस वीडियो में जौन से मैं टिप्स शेयर करने वाला हूँ वो शायद मैंने पहले नहीं किए हैं, और इस वीडियो के अंदर जौन से मैंने लट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। पर भाई अभी रुको, अभी डाउनलोड मत करना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ कलर ग्रेडिंग के रिलेटेड, कैसे आपने प्रॉपरली कलर ग्रेडिंग करनी है, क्या कुछ आपको ध्यान में रख के अपनी वीडियोस के अंदर सिनेमैटिक लेवल लेके आना कलर ग्रेडिंग के अंदर। और सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी करना, पर एंड में करना जब आपको लगेगा कि भाई मैंने कुछ आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है कि कैसे आपने सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करनी है जस्ट अपना फोन यूज करके। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कमाल का शो, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग करनी है जस्ट अपना फोन यूज करके। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वीएन ऐप के अंदर, और वीएन ऐप के अंदर आके सबसे पहले मैं वो वाली वीडियो को ओपन करता हूँ जौन से वीडियो के अंदर हमने कलर ग्रेडिंग करनी है। तो आई थिंक कि ये वाली वीडियो है। सो काफ़ी कमाल की हमारी टाइमलाइन बन चुकी है, और अगर आपने ये वाला एपिसोड नहीं देखा कि कैसे मैंने सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट किया है, तो भाई लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ या वहाँ। अब जैसा कि अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप यूज़ करता हूँ, या फिर अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो मैं यूज़ करता हूँ अपना फ़ोन। फ़ोन के अंदर जाके वीएन ऐप का यूज़ करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, भाई आप सब कुछ कर सकते हो, जस्ट आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, उसका नाम है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो जस्ट अपना फ़ोन यूज़ करके। तो सबसे पहले जब भी आप कलर ग्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले एक म्यूचुअल सीन सेलेक्ट करो कि लगभग आपका सीन सारी की सारी वीडियोस के साथ वो मैच करता हो। और कलर ग्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जौन सा आपका क्वेश्चन होता है आपके दिमाग के अंदर कि भाई मेरा स्काई इतना अच्छा कैसे आता है, उसके अंदर प्रॉपरली मेरे कलर्स कैसे मैच कर जाते हैं, उसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न कि जब भी आप वीडियो को शूट कर रहे हो तो प्रॉपर सनलाइट में आपने शूट करना है, मतलब कि आप चेक करो कि आपका जो स्काई है वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए आपके फ्रेम के अंदर। ऐसा नहीं कि आपका जो सा स्काई है वो अजीब सा दिख रहा है या उसके अंदर लाइट कम है। अगर लाइट कम होगी, प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन का आप यूज़ नहीं करोगे अपनी वीडियोस को शूट करते वक्त, तो भाई आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आप कोई भी लट को अप्लाई कर लो, पर आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर लाइटिंग के अंदर अपनी वीडियोज़ को शूट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला सीन है, और इसके अंदर चेकआउट करो कि मेरा जो स्काई है कितना विजिबल है, कितना मैंने उसको मतलब कि प्रॉपर तरीके से शूट किया हुआ है प्रॉपर सनलाइट के अंदर। अब ये मत सोचना कि मेरे पास यहाँ पे आईफोन है तो अच्छा स्काई आ गया है। मैंने अपने पहली वीडियोस को शूट किया हुआ है ओप्पो के फ़ोन से, ओप्पो रेनो सीरीज से, उसके अंदर भी मेरी वीडियोस के अंदर सेम ऐसे ही मैंने स्काई को लिया हुआ है। तो ऐसा कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि भाई आपके पास तो आईफोन है, हमारे पास एंड्रॉयड है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं मतलब कि ट्रस्ट है तो आप पुरानी वीडियोस को देख लो जहां पे मैंने यूज़ किया अपना फ़ोन ओप्पो रेनो 5 प्रो, और काफ़ी कमाल की मैंने वहां पे सिनेमाटोग्राफी की हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कलर ग्रेडिंग के बारे में, पर कलर ग्रेडिंग से पहले सबसे पहले हम करेंगे कलर करेक्शन। बहुत सारे बंदे ये मिस्टेक्स करते हैं कि सबसे पहले वो जाते हैं, जैसा कि मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल्टर के अंदर, और यहाँ से सीधे मैं जाके लट को अप्लाई कर दूंगा, कोई भी लट ऐसे ले लूँगा, लट अप्लाई करके इसकी इंटेंसिटी को सेट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये गलत तरीका है, ऐसे आपकी कलर ग्रेडिंग नहीं होती है। सबसे पहले मैं इसको करूँगा अंडू, ओके, और जाएंगे हम सबसे पहले फिल्टर के अंदर, ठीक है। फिल्टर के अंदर आके सबसे पहले हम जाएंगे एडजस्ट के अंदर, और यहाँ से सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ब्राइटनेस को, ठीक है। और ब्राइटनेस को मैं करूँगा एटलीस्ट कम -15%, ठीक है। उसका हम चलेंगे कॉन्ट्रास्ट के अंदर, कॉन्ट्रास्ट को करेंगे यहाँ से हल्का सा +3। उसका हम चलेंगे वाइब्रेंस के अंदर, वाइब्रेंस को करेंगे -10। अब मैंने वाइब्रेंस को -10 क्यों किया है वो भाई ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जहाँ पे मैं अपनी लट को अप्लाई करूँगा, अब जैसा कि इस फ्रेम के ऊपर जैसे मैं अपनी लट को अप्लाई करूँगा तो मेरी लट के अंदर बूस्ट हो जाएगा बहुत सारा कलर, वो नेचुरल नहीं लगेगा। तो नेचुरल करने के लिए मुझे अपने वाइब्रेंस को पहले हल्का कर लेना है कि मेरा जो नेक्स्ट लट है वो उसके अंदर प्रॉपरली मैच कर जाए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं टेम्परेचर के अंदर, और टेम्परेचर को हम करेंगे हल्का सा +1। और नेक्स्ट मैं जाऊँगा यहाँ पे हाईलाइट्स के अंदर, और हाईलाइट्स को मैं हल्का सा प्लस में करूँगा +13। और यहाँ पे मेरी बेसिक करेक्शंस हो चुकी हैं, और जैसे ही आपकी सारी की सारी कलर करेक्शन हो जाती है तो आपने करना है नीचे आना है, नीचे आपने सेलेक्ट करना है अप्लाई टू ऑल। सो अभी मुझे एक मैसेज आया था रिसेंटली कि जैसा कि मैं कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे सिर्फ एक क्लिप के ऊपर ही मेरा कलर शो हो रहा है, बाकी क्लिप्स के ऊपर नहीं शो हो रहा। सो वो वाली मिस्टेक क्या थी कि सिंपली आप जाते हो फिल्टर के अंदर
और एक ही क्लिप के ऊपर आप सेटिंग्स भी कर लेते हो, लट भी अप्लाई कर लेते हो और उसके बाद उसको अप्लाई टू ऑल नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग सिर्फ एक ही क्लिप के ऊपर रह जाती है। तो इसको ध्यान रखना कि जब भी आप कलर करेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आपने करना है इसको सेटिंग करके, सारी सेटिंग जैसे कि मैंने कर ली है, फिर आपने नीचे आना, नीचे आपने सेलेक्ट करना है अप्लाई टू ऑल, कुछ इस तरीके से। सो कलर करेक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली हम जाएंगे फिल्टर के अंदर और फिल्टर के अंदर जाके हम करेंगे लट को अप्लाई। सो जौन सी मैंने इस वीडियो के अंदर लट को यूज़ किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके उसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और मैंने पहले भी ये प्रोवाइड की हुई है और मोस्टली मैं इन्हीं लट्स का यूज़ करता हूँ, ये मेरी फेवरेट लट्स हैं, तो इसी बात पे यार लाइक होना चाहिए और लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता थोड़ा सा। सो भाई अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी कमाल के फिल्टर्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आता है पीजे फिल्म स्टाइल्स और फिर आता है पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़, और मैं यहाँ से चेक करूँगा कि मुझे कौन सी लट को चूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा आगे आते हैं और ये अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसकी इंटेंसिटी को सेट करना है, तो सेट करने के लिए आपको नीचे आना है। ठीक है, और इंटेंसिटी लेवल को आपको करना है यहाँ से 68 या 67। ठीक है, और यहाँ से आपने करना है अप्लाई टू ऑल, कि जिसकी वजह से आपका जो फिल्टर होगा वो हर एक क्लिप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो वीडियो हमारी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पे आपको दूसरा सीक्रेट बताना ज़रूरी है, आराम से बैठ के देखो, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मेरे सारे सारे सीन्स के ऊपर कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, पर कुछ कुछ सीन्स के अंदर वैसा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, मतलब कि जैसा कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डलनेस लग रही है, तो इस क्लिप को मैं अगेन क्या करूँगा, सेट करूँगा। ठीक है, फिर जाऊँगा मैं फिल्टर के अंदर और फिल्टर के अंदर आके सबसे पहले मैं जाऊँगा एडजस्ट के अंदर और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा कम करूँगा, नॉर्मल कर दूँगा। ठीक है, और ब्राइटनेस को मैं करूँगा हल्का सा प्लस में, +7, यहाँ से करूँगा ओके। अब आपने यहाँ पे अप्लाई टू ऑल नहीं करना है, नहीं तो आपकी सारी वीडियो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, अब आपने करना है यहाँ से ओके, कि आपने सिर्फ एक ही क्लिप के ऊपर एडजस्टमेंट्स को करना है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ओके, तो ये वाली सेम वैल्यू को मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगा। सो भाई कुछ इस तरीके से आप कमाल की सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हो जस्ट अपना फ़ोन यूज़ करके। हमारे पास यार बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पर हम दिमाग नहीं लगाते कि हम स्किल्स को डेवलप कैसे करें। अगर हमारे पास स्किल्स हैं तो हम 15,000 वाले फ़ोन से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये चीज़ मेरी ध्यान में रखना। और अगर विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, तो मैंने 15,000 वाले फ़ोन से स्टार्ट किया हुआ है और आपके सामने बैठा हूँ, और जितने बंदे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी टिप्स को मान रहे हैं प्रॉपरली तरीके से, दिल से मान रहे हैं, वो मैं गारंटी देने वाला हूँ कि वो बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाले हैं और उनको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक डिटेल में समझा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बोल के चला जाऊँ यहाँ पे ये ऐसे वीडियो है हमारी, इसको ऐसे कर लेना, 60 FPS पर रख लेना, कलर ग्रेडिंग ऐसे कर लेना, वो ऐप यूज़ कर लेना, ये चीज़ कर लेना, वो कर लेना। मैं हर एक चीज़ को आपको प्रैक्टिकली करके इसलिए समझाता हूँ कि अगर मेरे वीडियोस के अंदर 5 व्यू भी आ रहे हैं ना, 10 व्यू भी आ रहे हैं, अगर मेरी वीडियो के अंदर 10 बंदे भी उस वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हैं, तो मेरा वो बेनिफिट है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ प्रॉपरली। ठीक है, 4 मिनट की वीडियो बना के या 2 मिनट की वीडियो बना के मैं जस्ट ये देखूँ कि मेरी वीडियो छोटी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पर उसके अंदर मैं नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो नुकसान तो मेरा ही है और आपका भी नुकसान है कि मैं अच्छी चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहा। सो अब बात करते हैं कि सिनेमैटिक फ्रेम कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे टैब टू ऐड सबटाइटल और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टाइटल के ऊपर जाके। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा फिल्म, ओके, यहाँ से कर दूँगा ओके, और ये जो इनपुट टाइटल है इसको मैं उठा के लेके आऊँगा यहाँ पे नीचे कर दूँगा और इसको मैं छुपा दूँगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, हमें सिर्फ फ्रेम ही चाहिए। और यहाँ से इसको कर दूँगा मैं पूरा का पूरा खींच दूँगा, यहाँ तक मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा भाई सिनेमैटिक फ्रेम भी लग चुका है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप फ़ोन से ही बहुत ही कमाल का एक सिनेमैटिक टीजर बना सकते हो। आपके सामने मैंने लाइव एग्जांपल दी है और इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले।
सो अभी रुक जाओ भाई, अभी मैं जाना वीडियो को छोड़ के, एक बात सुन के जाना मेरी यहाँ पे कि अभी जोन से मैं एपिसोड्स लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, वो बहुत ही कमाल के एपिसोड्स मैं लेके आने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर कि कैसे आपने अपने ब्लॉग्स को अपलोड करना है यूट्यूब के ऊपर, क्या कुछ सेटिंग्स आपने यूज़ करनी है, कैसे आपने टाइटल रखना है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट आपको करनी है, सही तरीके से व्लॉग को अपलोड करने का क्या तरीका होता है वो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और उसके बाद कैसे हम अपना कैमरा फियर दूर करें, क्या कुछ इंप्रूवमेंट करें, कैसे बोलने का तरीका सही करें, कैसे अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल लेके आएं, क्या कुछ हमें करना चाहिए, और सारे के सारे एपिसोड्स मैं लेके आने वाला हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आप सबको कि आप सबको मैं 2023 के अंदर 2023 के अंदर ब्लॉगर बना के छोड़ूंगा और मैं आपको गारंटी देने वाला हूँ कि आप मुझे खुद मैसेज करोगे कि भाई हमारा ब्लॉगिंग चैनल ग्रो हो रहा है और आपकी वीडियोस देख के हमने काफ़ी कुछ इंप्रूव कर लिया। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं जल्दी मिलूंगा इसके साथ, तब तक के लिए थैंक यू।